जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अंजलि नारायण नैवेद्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल समोसा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मूंग दाल समोसा बनाने के लिए हमने ली है 1 कप मैदा, ये हमने ली है भीगी हुई मूंग दाल, इसे हमने 4 घंटे के लिए पानी में भिगो लिया था। इसके मैंने छिलके नहीं हटाए हैं, आप चाहें तो इसके छिलके हटा सकते हैं। अजवाइन, सौंफ, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत धनिया, गरम मसाला, 2 बड़े चम्मच हमने लिया है बेसन और नमक। अब हम एक बड़ा बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे मैदा। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथों से मसल कर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। हमने पैन में 2 चम्मच घी को गरम कर लिया है, अब हम वो भी इसमें डाल देंगे। घी को आप ठंडा ना डालें, गरम करके ही डालना है हमें। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए आपका मोयन इस तरह से होना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे। ये देखिए आटा हमने लगा लिया है, अब हम इसे 10 मिनट तक कवर करके रखेंगे। आइए तब तक इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब हम एक पैन में तेल लेंगे, करीबन 2 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, थोड़ी सी हींग, हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे दाल। अब हम इसमें डालेंगे नमक। अब हम इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि दाल जो है वो अच्छे से पक जाए, और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। 4 मिनट हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमने इन सभी को अच्छे से मिला लिया है। अब हम 2 मिनट तक इसे ऐसे ही भूनेंगे, जिससे कि जो मसाले हैं और बेसन है वो अच्छे से भुन जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और दाल भी हमारी तैयार है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए स्टफिंग बनकर तैयार है। 10 मिनट हो चुके हैं, आइए आटा चेक कर लेते हैं। अब हम बोर्ड पर थोड़ा सा तेल लेंगे और इस पर आटे को अच्छे से मलेंगे, जिससे कि आटा जो है वो अच्छे से चिकना हो जाए। ये देखिए आटा हमारा चिकना हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और इसे गोल गोल घुमाकर राउंड शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सभी को बनाना है। ये देखिए हमने इन सभी को बना लिया है। अब हम एक लोई लेंगे और बाकी सबको कवर करके रखेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। हमें इसे पूरी के शेप में बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। आप चाहें तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं,
बेलने के लिए। इस तरह से हमें बेलना है। अब हम इसे बीच में से बराबर हिस्से में काट लेंगे। अब हम एक पोर्शन लेंगे और उंगली से इस पर पानी लगाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके कोन जैसा शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें बनाना है। अब हम इसमें स्टफिंग को फिल करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है इसमें, और इसे इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें बनाना है सभी को। ये देखिए, हमने इन सभी को बना लिया है। आइए इन्हें तल लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम एक एक करके समोसे इसमें डालेंगे। इन्हें हमें धीमी आंच पर सेकना है और बीच बीच में पलटते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। ये देखिए, समोसे हमारे सिक चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें बाकी सभी को भी सेकना है। ये देखिए, मूंग दाल समोसा बनकर तैयार है। अब हम इस पर रखते हैं एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।